हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो कर आए हैं, और ये वीडियो है हरियाणा जीके के क्वेश्चनों से संबंधित। ये वीडियो है, इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, HSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें लगभग 20 या 25 क्वेश्चन तक हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित भी जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसको भी करेंगे, और नए प्रश्नों के साथ हम तैयारी करवाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को पूरी को देखना, बीच में कट मत करना। और ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबा लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एडुसेट सिस्टम की शुरुआत किस योजना के तहत की गई। तो देखिए, जो एडुसेट सिस्टम है इसकी शुरुआत की गई थी सॉफ्ट स्किल योजना के तहत, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई। तो देखिए, जो कल्पना चावला है इसकी मृत्यु हुई थी एक अंतरिक्ष में मिशन में, और यह हुई थी 1 फरवरी 2003 को। इसमें ऑप्शन डी सही है। देखिए, इसे हम 1, 2 और 3 के तहत भी याद रख सकते हैं कि इसकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 में, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं 1, 2, 3 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था। तो देखिए, जो हरियाणा का यमुनानगर जिला है यह है पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा। तो देखिए, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है इसमें हस्तलिखित संग्रहालय था, इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसमें जो सबसे अधिक सहयोग था वह रहा पंडित स्थाणु शर्मा का, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, लाडली योजना की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, हरियाणा में जो लाडली योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2005 को, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है। तो देखिए, जो मैग्नीज है यह है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नंद घर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिए, जो देश का पहला नंद घर है वह स्थापित किया गया है हसनपुर सोनीपत में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जाँच अनिवार्य कर दी गई है। तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो ब्लड बैंक है इसमें हेपेटाइटिस सी की जांच अनिवार्य कर दी गई है, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नकद राशि वार्षिक और भूमि के बदले नकद देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी, उसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः कब लागू किया गया। तो देखिए, उसे पुनः लागू किया गया 1997 में, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से है। तो देखिए, जो परमवीर चक्र प्राप्त है मेजर होशियार सिंह, इसका संबंध है सिसाना सोनीपत से, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया। तो देखिए, यह किया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। तो देखिए, जो सोनू निगम है प्रसिद्ध गायक है, इसका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो देखिए, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार हरियाणा की जनसंख्या की जो 10 के वृद्धि दर है वह कितनी है, तो वह है 19.90%, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई थी। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना है इसकी शुरुआत की गई थी हरियाणा में जनवरी 2014 में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया हुआ है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय है यह स्थापित हुआ है
अपने गुड़गांव में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ममता सोदा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो देखिए, जो 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी ममता सोदा, इसका संबंध हरियाणा के कैथल जिले से है, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो देखिए, जो हरियाणा की राजभाषा है वह है हिंदी, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? तो वह की गई है मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना वह की गई है शाहबाद में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई है, तो देखिए, हरियाणा राज्य में जो शुरू की गई है वह है इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है? तो देखिए, हरियाणा में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फल व सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है वह है गन्नौर में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, महिला साक्षरता दर निम्न जिलों में सर्वाधिक है? तो देखिए, जो महिला साक्षरता दर है वह है सबसे अधिक गुड़गांवा में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए, आपको बता दें कि अब गुड़गांवा का नाम गुरुग्राम हो गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है, इसे हम गुरुग्राम या गुड़गांवा बोल सकते हैं। जो हरियाणा में महिला साक्षरता दर है वह सबसे अधिक अब गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अक्टूबर 2015 को स्वाधार गृह स्कीम शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका जो उद्देश्य था वह था महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, जो हरियाणा में सिंचाई विभाग है इसका जो मुख्यालय है वह है पंचकुला में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना शुरू हुई थी। तो देखिए, जो हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना शुरू हुई थी तो वह हुई थी 1998-99 में, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो देखिए, जो महिला साक्षरता दर है वह न्यूनतम है मेवात में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब आरंभ की गई? तो देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता है वह योजना आरंभ की गई 2004 में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ पर खोला गया? तो जो हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण एवं वस्त्र अनाज केंद्र है वह खोला गया पानीपत में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का वह कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया है जहाँ प्रत्येक रविवार को राहगीरी दिवस मनाया जाता है, और इस दिन पैदल चलकर, जॉगिंग करके, दौड़कर, साइकिल पर चलकर, स्केटिंग आदि द्वारा रोड बंद किया जाता है? तो वह किया जाता है गुड़गांवा में, और इसमें ऑप्शन बी सही है, या फिर गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो देखिए, यह किया गया था नमक ढोने के लिए, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना को हरियाणा में कब लागू किया गया? तो देखिए, जो भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना है यह इसे लागू किया गया 2001 और 2 के दौरान, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? तो देखिए, हरियाणा में टीटा राम कैथल इसमें भी है, ओढ़न सिरसा इसमें भी है, और देवराला भिवानी इसमें भी है, तो इसमें उपर्युक्त सभी सही है। ये इन सभी में जो हरियाणा नवोदय विद्यालय है ये स्थित है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, जो देवी शंकर प्रभाकर है यह संबंधित है सिनेमा से, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है,
जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए, जो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है और इसमें ऑप्शन डी सही है। और यदि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला सिरसा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो देखिए, जो हरियाणवी फिल्में हैं और इनके जो सफल नायक माने जाते हैं वह है जगत जाखड़, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो देखिए, जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है इसकी स्थापना हुई सोनीपत में, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? तो देखिए, यह की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध हरियाणा राज्य में महिलाओं से है? तो देखिए, कौन सी योजना है जिसका संबंध हरियाणा में महिलाओं से है? तो वह है वंदे मातरम योजना, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। जो हरियाणा की जनसंख्या है वह है 2,53,51,462 पर व्यक्ति, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध किस शहर से है? तो देखिए, जो अभिनेता रणदीप हुड्डा है इसका संबंध है रोहतक से, और इसमें ऑप्शन सी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबा लेना। थैंक यू।